都是蓝的。व्यवस्था करवाते हैं परवारी का नंबर कहाँ है देखे मोबाइल देखे गौरव जी आपके सरकारी अस्पताल में आप लगातार मुआयना कर रहे हैं इसके लचर व्यवस्था पर क्या कहना है और सरकार से क्या मांग है आपकी बिल्कुल देखिए आपने सही बोला है सरकारी अस्पताल का लचर व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि जो अब बैसाखी के पे चलने के लायक भी नहीं रही है योजनाओं में तो लूट खसोट मचा हुआ ही है बड़ा भवन सिर्फ दिखाने के लिए है बल्कि मरीज को देखने के लिए नहीं यहाँ के डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं अपने ड्यूटी से मरीज पहुंचते हैं तब डॉक्टर पहुंचते हैं फोन पे पहुंचते हैं कल बाध्यकरण किया गया था कई महिलाओं का ग्रामीण लोगों से मुझे फोन भी आया मैं जायजा लेने पहुंचा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ तो मैंने देखा कि इस कड़ाके की ठंड में जो इस महिलाओं का बाध्यकरण ऑपरेशन किया गया है कुछ महिलाएं तो बेड नहीं मिला अब आप सोचिए कि इतने कड़ाके की ठंड में किसी महिला को ऑपरेशन जिसका हुआ हो उस महिला को अगर बेड नहीं मिले तो कितना निंदनीय बात होती है अगर उसको ठंड लग जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत उस परिवार में पड़ सकती है कितनी बड़ी घटना घट सकती है तो इसको लेकर के हमने नाराजगी जताया और उच्च अधिकारी को फोन किया और फोन करने के बाद जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई गई बेड दिया गया चादर दिया गया तो सारी सुविधाएं दी गई आज की घटना मैं बताता हूँ एक सोनों से एक बच्चा 7 साल का बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था कोई गाड़ी वाला उसे ठोकर मार दिया बुरी तरह से वो इंजर्ड था उसके पैर टूट गए थे और माथे में चोट था सर फटा हुआ था सीना में चोट था और तो उन्होंने मुझे ये सूचना दिया कि ये एक्सीडेंट हो गया मैंने बोला तत्परता से आप सरकारी अस्पताल पहुंची मैं वहां पहुंचता हूं देखता हूं क्या है नहीं है विधि व्यवस्था मैं जब तक पहुंचता हूं तब तक इनके परिजन को इन्होंने सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया बिना देखे सुने बिना फर्स्ट एड किए हुए कितनी निंदनीय बात है कि एक डॉक्टर कितना अपना पल्ला झाड़ लेता है आखिर सरकार इनको पैसा किस लिए देती है और तो और यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं उनके परिजन ने बताया मुझे कि यहाँ पे जो है मशीन की व्यवस्था नहीं है जो सीटी स्कैन करते हैं वो व्यवस्था नहीं है बताइए इतना बड़ा सदर अस्पताल है हमारा इसमें दुर्भाग्य की एक्सरे मशीन नहीं है ये सोचनीय है ये प्रश्नीय है ये चिंतनीय है नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि उनके शासन काल में इतने बड़े झाझा शहर में मशीन नहीं है एक्सरे मशीन नहीं उनके अस्पताल में ये बहुत बड़ी बात होती है जिस तरह से परिजन ने कहा है लेकिन यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ मशीन है एक्सरे मशीन है तो एक्सरे मशीन था तो उस बच्चे का एक्सरे क्यों नहीं कराया गया और क्यों नहीं आपने फर्स्ट एड किया फर्स्ट एड करा करके आपको सदर भेजना था ना कि बिना देखे बिना सोचे ब्लडिंग चल रहा है आप सीधे सदर अस्पताल भेज देते हैं तो आपको कम से कम फर्स्ट एड करना चाहिए था तो ये जो है मानवता को शर्मसार करने वाला एक डॉक्टर को कलंकित करने वाला ये बात सामने आई है जिसका मैं कड़ा शब्दों से विरोध करता हूं ऐसे डॉक्टरों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर के मैं माननीय डीएम साहब से भी मुलाकात करूंगा और इस सारी जानकारी की विस्तृत जानकारी उन्हें दूंगा और सरकार से वर्तमान की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है जो कहती है कि विकास की गंगा बह रही है सुशासन की सरकार है मैं कह देना चाहता हूं ये सुशासन की सरकार नहीं है ये कुशासन की सरकार है ये हिटलर शाही की सरकार है यहाँ सिर्फ अडानी अंबानी को देखा जा रहा है गरीब जनता को नहीं देखा जा रहा सरकारी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अविलंब झाझा में रेफरल अस्पताल में सभी चीजों का सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए अन्यथा हम लोग का मन बन चुका है और सरकारी अस्पताल के खिलाफ जो बिगुल हम लोग फूकने जा रहे हैं बिल्कुल चरणबंद आंदोलन की तरह जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री की होगी और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ धन्यवाद गौरव जी।